आज की वीडियो में मैं आपको जिस नई YouTube अपडेट के बारे में बताने वाला हूं, उस नई अपडेट ने नए यूट्यूबर्स का सच में ही पोपट बना दिया है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। जब आप YouTube पे वीडियो देखते हैं, आपके सामने कोई नए यूट्यूबर की वीडियो आती है, तो अक्सर उस यूट्यूबर के सब्सक्राइबर कम होते हैं। तो ऐसे में आपके मन में एक सवाल जरूर आता होगा कि इस यूट्यूबर के तो सब्सक्राइबर ही कम है, तो इसे नॉलेज कम होगी, इसकी वीडियो भी अच्छी नहीं होगी, ऐसे में आप उसकी वीडियो को नहीं देखते होंगे। ये आपके साथ ही नहीं, ये सभी के साथ होता है, क्योंकि हमारी मेंटलिटी ही ऐसी होती है। अगर हमें दिखाई देते हैं कि किसी यूट्यूबर के सब्सक्राइबर कम है, तो हमें अंदर से ही ऐसा लगता है कि इस यूट्यूबर को कम जानकारी होगी, इसके सब्सक्राइबर ही कम है। अब जिस यूट्यूबर के सब्सक्राइबर ज़्यादा हैं, आप ऑटोमेटिकली उसकी वीडियो को देखना पसंद करोगे, चाहे उनकी वीडियो अच्छी हो या ना हो। यह सब बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि YouTube ने एक नया अपडेट निकाला है जो नए यूट्यूबर्स के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आज से कुछ महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप अपने YouTube चैनल के सब्सक्राइबर को किस तरीके से हाइड कर सकते हैं और अपने YouTube चैनल पर सब्सक्राइबर बढ़ा सकते हैं, क्योंकि यह चीज़ मैंने अपने चैनल पर भी ऑब्जर्व करी थी। जब मैंने अपना YouTube चैनल बनाया था, तो लगभग 7-8 महीने तक मैंने अपने YouTube चैनल के सब्सक्राइबर को हाइड नहीं करा था, और मेरे चैनल पे मात्र सिर्फ 70 या 80 सब्सक्राइबर थे, और इनमें वे सब्सक्राइबर भी थे जो मेरे फ्रेंड थे, मेरे रिश्तेदार थे, यानी जिन्हें मैंने अपने चैनल का लिंक शेयर करा था और उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा था। दूसरे शब्दों में कहूँ तो जो ऑर्गेनिक सब्सक्राइबर थे वो ना के बराबर थे, क्योंकि अक्सर जब भी कोई व्यक्ति मेरी वीडियो देखता था, तो उसे यही महसूस होता था कि मेरे तो सब्सक्राइबर ही कम है, तो वे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते थे। हालांकि मेरी वीडियो पे व्यूज मुझे अच्छे मिलते थे, लेकिन लोग बाग मुझे सब्सक्राइब नहीं करते थे। फिर मैंने अपने चैनल के सब्सक्राइबर को हाइड करा, उसके बाद मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर बढ़ने लगे। बहुत ज़्यादा तो नहीं बढ़ते थे, लेकिन हाँ, दिन में 2-3-4 तक इस तरीके से सब्सक्राइबर बढ़ने शुरू हो गए थे, और एक नए यूट्यूबर्स के लिए दिन में 3-4 सब्सक्राइबर बढ़ना बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन यूट्यूब ने अब जो नया अपडेट निकाला है, वह यह है कि अब कोई भी यूट्यूबर अपने यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर को हाइड नहीं कर सकता, क्योंकि यह फीचर यूट्यूब ने अब यूट्यूब चैनल से बिल्कुल हटा दिया है। अब इससे नए यूट्यूबर्स को यह नुकसान है कि वे अपने YouTube चैनल के सब्सक्राइबर को हाइड नहीं कर सकते। मान लीजिए किसी का नया चैनल है, उसके सब्सक्राइबर हैं 10, 5, 50, तो ऐसे में जब भी कोई व्यक्ति उस यूट्यूबर के चैनल पे आएगा और उसके सामने कम सब्सक्राइबर दिखाई देंगे, 50-100, तो ऐसे में बहुत कम चांसेस हो जाते हैं कि वह व्यक्ति उस यूट्यूबर के चैनल को सब्सक्राइब करे। तो ऐसे में बड़े यूट्यूबर्स का तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन YouTube ने नए यूट्यूबर्स का सच में ही पोपट कर दिया है। मेरी नज़रों में तो YouTube का यह नया अपडेट बिल्कुल बेकार है, खास करके नए यूट्यूबर्स के लिए तो ये नुकसानदेह ही है। बड़े यूट्यूबर्स का तो कुछ नहीं बिगड़ना, लेकिन नए यूट्यूबर्स को इससे नुकसान ही है। अब आपको यह अपडेट कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में आप मुझे यह बताएं। अभी तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।